उज्जवल मॉडल स्कूल में टीचिंग के प्रोफेशन में शानदार करियर बनाने का सुनहरा मौका। ज्यादा जानकारी के लिए एड में दी गई चीजों को ध्यान से पढ़ें और संपर्क करें दिए गए नंबरों पर और आज ही अपने सीवी को भेजें दिए गए ईमेल एड्रेस पर। आज ही संपर्क करें एक सुनहरे भविष्य के लिए, तो देर किस बात की। आजमगढ़ जिले में 4 दिन पूर्व हुई एक विवाहिता की हत्या का आज पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि विवाहिता का प्रेमी निकला। विवाहित प्रेमिका के शादी करने का दबाव बनाने पर प्रेमी ने हत्या की घटना को अंजाम दिया और अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 मार्च की सुबह हत्या कर अरहर के खेत में फेंकी महिला शांति देवी की लाश की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि वीर बहादुर यादव उर्फ गोलू और शांति देवी एक ही गांव के रहने वाले थे। शांति देवी का पति गुजरात में रहकर नौकरी करता था, जबकि शांति अपने 4 वर्षीय बेटे के साथ घर पर रह रही थी। 1.5 साल पूर्व शांति देवी का गांव के ही गोलू से प्रेम संबंध स्थापित हो गया। दोनों छुप कर अक्सर भोर में अपने घर के पीछे खेत में मिलते थे। शांति देवी का पति गुजरात से घर आने वाला था, जिसको लेकर शांति परेशान थी और गोलू के साथ भागकर शादी करने का दबाव बना रही थी। शांति की बातों से परेशान गोलू उससे छुटकारा पाना चाहता था, जिसके चलते 19 मार्च की भोर में गोलू ने फोन कर शांति को घर के पीछे खेत में मिलने के लिए बुलाया और कुल्हाड़ी से शांति के सिर और गर्दन पर कई प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के संबंध में शांति देवी के भाई ने शांति की जेठानी, जेठ के बेटे और आरोपी गोलू के भाई लाल बहादुर के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच पड़ताल के दौरान मुख्य आरोपी गोलू के नाम और पते की जानकारी हुई तो पुलिस ने गोलू के घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। देखिए, 19 तारीख को हमारे यहाँ एक 25 वर्ष की एक औरत का मर्डर हो गया था सुबह 4:30 बजे। जो FIR लिखाई गई उसमें घर वालों के ही नाम है, जेठ जेठानी के नाम लाए गए थे। संदेह के घेरे में वो लेते थे, लेकिन कुछ बातें इस तरह की आ रही थी कि ये उनके द्वारा नहीं किया गया, तो हम लोगों ने स्पेशल टीम गठित की। उसके बाद बात संज्ञान में आई कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है और ये रिश्ते में ही लगता है, इसका करीब 1.5 साल से प्रेम प्रसंग था और वो ये कह रही थी कि आप हमारे साथ चलो और घर छोड़ करके हम कहीं और रहते हैं, और नहीं तो ये हम पूरे फैमिली में सबको बता देंगे और पुलिस को बता देंगे। तो ये डर के मारे जा करके सुबह 4:30 बजे उसको बुलाया और उसकी हत्या कर दिया। घटना ये सुबह 4:30 बजे फ़ोन पे बुलाता है, अब बुलाने के बाद ये उसका मर्डर कर देता है। तो उसके असलाह भी बरामद हुए हैं जिससे उसने मर्डर किया हुआ। ये इसकी शादी नहीं हुई है, उस लेडी की शादी हुई थी, उसका छोटा सा बच्चा भी है, लेकिन उसके अवैध संबंध 1.5 साल से, जैसा इसने बताया कि 1.5 साल से हमारे संबंध थे, क्योंकि वो जिद कर रही थी कि नहीं हमारे साथ चल करके भाग करके तुम कहीं रहो, इसकी वजह से इसने मार। आजमगढ़ से CIB इंडिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अंकित सिंह। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।